अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने वीडियो बना दी है कि हम फार्म हाउस कैसे पहुंचेंगे। सॉरी, फार्म हाउस तो नहीं कहना चाहिए, काओ फार्म है, यानी कि कैटल फार्म। तो जो मैं स्टेटस लगाता हूं या मेरी जो गायें वगैरह आती हैं दोस्त के साथ, तो उस फार्म के एड्रेस लोकेशन पूरी मैं आज आपको इसमें गाइड करूँगा। इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि सोहराब गोट से हमें कहाँ पहुँचना है और उसकी ट्रेंडिंग कहाँ कहाँ आनी है और कैसे बआसानी अब फार्म पहुँच सकते हैं। तो बहरहाल ये तो खैर पावर हाउस की रोड है, यहाँ से आप हैप्पी पैलेस स्कूल जो नज़र आता है आपको, तो मैं तो यहाँ से ही रवाना। और नागन से अगर हम निकलते हैं, नागन चोरंगी या नॉर्थ कराची या फेडरल वीर या किसी भी इलाके से, तो आप बआसानी सोहराब गोट पहुँच जाते हैं। जैसे ये अभी रोड मैं आपको बताऊँ, ये मैं लेफ़्ट पे टर्न लूँगा तो मैं सोहराब गोट से पहुँच जाऊँगा हाईवे की तरफ, मोटरवे 5 यानी कि सुपर हाईवे अलासिफ की तरफ। तो अगर आप जहाँ से भी आ रहे हैं, गुलशन से आ रहे हैं, नाज़ाबाद से आ रहे हैं, जहाँ से भी, वो तो आपको सोहराब गोट तो पता ही होगा। तो सोहराब गोट से आप सीधा जो है वो हाईवे की तरफ आ जाएं। अच्छा जी, जैसे ये आपका टर्न नज़र आ रहा है, तो कोई मुश्किल तो नहीं है। सब कराची में रहने वाले लोगों को तो बआसानी पता है ये हाईवे की टर्न आ गई, आपको पता ही होगा, लोकेशन सब अंदाज़ा होगा। ये सीधी रोड जो अब मैं इस पर टर्न लेने के बाद जो हाईवे पर आ चुका हूँ, ये सीधी रोड जा रही है हमारी हाईवे यानी कि हैदराबाद वाली रोड, कराची टू हैदराबाद। तो ये अभी मैं जिस मुकाम पे मौजूद हूँ ये अलासिफ आने वाला है, अलासिफ आ गया। अब अलासिफ आने के बाद ये पावर सीमेंट आ जाएगी। पावर सीमेंट आप समझते हैं ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही नहीं बनाई है उन्होंने, चोरंगी, तो पावर सीमेंट मतलब चोरंगी का नाम है। तो आप सीधा जाएंगे जहाँ पे मवेशी मंडी की तरफ जा रहे होते हैं, PSO पेट्रोल पम्प आएगा, फिर ये एडमोर आ जाएगा पेट्रोल पम्प। यहाँ से आप याद रखिएगा टर्न लेना है, ये हाईवे पे सीधा चल रहा है, सोहराब गोट का पूरा सीधा चल रहा है, ये आपको टर्न मेन याद रखना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा एडमोर का पेट्रोल पम्प आया, यहाँ से आपने लेफ्ट पे टर्न लेना है। ये बोर्ड भी आप इसको वाजे कर सकते हैं, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ, इसको गौर से आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है एग्ज़िट टू तेसर टाउन के लिखा हुआ है और गिडाब लिखा हुआ है और एग्ज़िट लिखा, ये टर्न आपको याद रखना है। यहाँ से फार्म के लिए जाना होगा आपको, ये हाईवे छोड़ना होगा। यहाँ से एक रेस्टोरेंट का नाम आएगा और चिश्तिया नाम का रेस्टोरेंट है उसका, यहाँ पे ये आएगा, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको टर्न लेना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बना दिया आपको बआसानी फार्म पहुँच सकते हैं। और अगर आपके पास ये वीडियो आप सेव करके लेके जाते हैं या इंटरनेट होता है तो बआसानी, क्योंकि सीधी आपको रोड जानी है, ये साथ में ब्रिज जो चल रही है आके ख़त्म हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये एडमोर से आप सीधा आप आ रहे हैं, यहाँ पे अभी तक कोई टर्न नहीं लिया है, हाईवे से आप अपने हाईवे को छोड़ चुके हैं और सीधा ये रोड चलती रहेगी। अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं और रोड पक्की है, रोड ख़राब भी नहीं है, न्यू रोड बनी हुई है सारी की सारी, और यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होता भी नहीं है, आप बआसानी सीधा जा सकते हैं। अभी तक आप याद रखिएगा एक टर्न आया है, तो हमने लिया था एडमोर पेट्रोल पम्प से, एडमोर ग्रीन कलर हाईवे को छोड़ते वक्त हमने लिया था, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग अभी तक ये लेफ़्ट पे सीधे चलते जा रहे हैं। अब अच्छे इलाका है, खूबसूरत है, रोडें पक्की हैं, मज़े से आप जाएँ। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी हैं, वाटर पार्क भी बहुत सारे बने हुए हैं, वाइल्ड एडवेंचर पार्क भी यहीं हैं, बहुत मशहूर मशहूर पार्क भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं और मुख्तलिफ लोगों के अपने फार्म वगैरह। अब ये ट्रेंड याद रखिएगा, यहाँ पे एक मस्जिद आएगी, बाज़ार कहलाता है, ये यूफोन का ऑफिस यहाँ पे थोड़ा सा बना हुआ है, यहाँ से आपका सेकंड टर्न आ गया। मैं फिर कह दूँ, यहाँ जो टर्न लिया है राइट हैंड पे मैंने टर्न लिया है और थोड़ी स्पीड मैंने इसलिए बढ़ाई हुई ताकि आप थके ना वीडियो को देखते हुए, तो स्पीड को तो मैंने बढ़ाया इसलिए ताकि आप थके ना। लेकिन मैं फिर वाजे कर दूँ कि यहाँ से जो मैंने सेकंड टर्न लिया है ना, ये मस्जिद वाला टर्न लिया है। यहाँ याद रखिएगा, मस्जिद, ये एक बाज़ार बना हुआ है, यहाँ मस्जिद है और ये यूफोन लिखा हुआ है, यहाँ से आपने राइट पे टर्न ले लेना है और ये बकाई की तरफ आप चले जाएंगे सीधा, बकाई कॉलेज ये सामने नज़र आ रहा होगा, आप स्टॉप करके देख सकते हैं, बकाई कॉलेज है ये, तो बकाई कैडेट कॉलेज, ये गेट आप ब्लू कलर का याद रखें, यहाँ से आपको लेफ्ट पे टर्न लेना है। तो अभी तक तीसरा टर्न आ गया ये, ठीक है। पहला टर्न एडमोर से आया, दूसरा टर्न आपका आया मस्जिद वाली साइड से जो बाज़ार कहलाता है, जो राइट हैंड था, और आपने अब ये तीसरा टर्न लिया है कौन सा, बकाई से लेफ्ट हैंड की तरफ। ये रोड आप देख रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास रोड बनी हुई है, बिजली भी यहाँ मौजूद है, पानी भी है, हर चीज़ यहाँ मौजूद है और कोई पुरसकून माहौल है, कोई ऐसी सिक्योरिटी का इशू नहीं है, बआसानी हम लोग आते जाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा कभी कोई वाकया नहीं हुआ। अब ये तीसरा टर्न आप वाइट कलर का बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, तो ये चौथा टर्न आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। ये जैसे आपको राइट हैंड पे पहला टर्न मिला ना, वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है, तो
यहाँ से आप राइट हैंड पे टर्न लेंगे, हदीस लिखी हुई है उसके ऊपर, तो सीधा आप जाएंगे, थोड़ा सा ही कच्चा आएगा, रोड यहाँ भी बनी नहीं है, और थोड़ा सा स्लो आप गाड़ी रखें या जैसा आपको बेहतर लगे स्लो आप चलते रहें और पुरसकून तरीके से आप जाएंगे, तो बीच में से एक रोड आ जाएगी जाने वाली, यहाँ से टर्न मत लीजिएगा, फिर वाजे कर दूँ, यहाँ से टर्न मत लीजिएगा, सीधा ही रहना है, यानी कि बस चार टर्न आपके हो चुके हैं और ये आ गया आपका दरवाज़ा फार्म का, ये जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हॉर्न दीजिएगा, वॉचमैन दरवाज़ा खोल देगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे फैमिलीज़ भी रहती हैं और जो वॉचमैन है उनकी फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं, तो वो बच्चे वगैरह दरवाज़ा वगैरह खोल देते हैं, आप हॉर्न दे दें या फिर फ़ोन कर दें कि हमारे अली साहब हैं, ये थोड़ा उतर गए और दरवाज़ा खुलवा रहे हैं, तो ये दरवाज़ा वगैरह खोलें आप इत्मीनान से, इसको आप अंदर जाएं। अब यहाँ पे आप कहीं पर भी जो आपको मुनासिब लगे पार्किंग कर लें, कोई आपको भी कोई मना नहीं करता, यहाँ पे आसानी चले जाएं, आप लेफ़्ट पे पार्किंग कर लें, राइट पे कर लें, मुख्तलिफ फार्म बने हुए हैं यहाँ पे, तो बहरहाल मैं तो अपने फार्म की तरफ ही जाता हूँ जहाँ सीधा मेरा राइट पे सामने बिल्कुल फार्म है। आप भी जहाँ मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ सीधा लेके जा रहा हूँ, गाड़ी से इंटर हूँ, दरवाजे से इंटर हूँ, गाड़ी मेरी बिल्कुल अभी तक सीधी जा रही, तो आप भी वहीं आ जाएँ ताकि आपको फार्म का अंदाज़ा हो जाए फार्म है किस जगह, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत से लोगों के फार्म मौजूद हैं। तो बहरहाल यहाँ पे अब मैं आ गया हूँ, ये आपको नज़र आ रहे होंगे गॉड्स वगैरह, ये है फार्म, यहाँ पे हमारे राजा भाई भी होते हैं और राजा फैसल नाम है, तो जो पूरा टेक केयर करते हैं, और यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करें और बआसानी आप यहाँ पे आप पहुँच के अपनी डीलिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो बना दी आपके लिए ताकि आप बआसानी पहुँच सकें, क्योंकि आपको पता है ये टर्निंग इतनी सारी हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो को आप क्या करें, डाउनलोड कर लीजिएगा यूट्यूब से, और जब नेट ना भी हो ना आपका, डाउनलोड आपने की भी होगी तो वीडियो आपकी उस वक्त चल रही होगी, आप बआसानी अपनी वीडियो देखते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपका गूगल मैप है तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पहुँचना। ये बहरहाल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं अगली वीडियो में आपको गाय के रेट भी बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, अभी तो सिर्फ रास्ते के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।